सोनभद्र के शक्तिनगर एनटीपीसी पावर प्लांट के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी में संविदा द्वारा रिटायर्ड फौजी के साथ शोषण हो रहा है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि संतोष कुमार तिवारी, जो संविदा के तहत सिक्योरिटी का बहुत बड़ा दलाल बताया जाता है, कि रिटायर्ड फौजी को बहला फुसला कर देश के कोने कोने से इकट्ठा करके इनका ओरिजिनल पीपीओ डिस्चार्ज बुक कई ऐसे ओरिजिनल दस्तावेज लेकर पहले फौजियों से ड्यूटी कराएगा, इसके बाद उनका वेतन नहीं देता है, खुद फौजी चले जाते हैं, जिसके बाद वह जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होता है उसके द्वारा फर्जी तरीके से फर्जी आई कार्ड बनाता है। वही आरोप लगाते हुए प्रकाश सिंह, रिटायर्ड फौजी, ने कहा कि वह उन लोगों को बहला फुसला कर लगभग 50 फौजियों को बुलाकर नौकरी कराने के बाद उनकी तनख्वाह नहीं देता, इसके बाद फर्जी फौजी बनाकर कंपनी से पूरा वेतन लेकर जो फर्जी फौजी है उनको कुछ वेतन देता है, बाकी में सारे का हिस्सा रहता है। अब देखना है कि क्या शासन प्रशासन या एनटीपीसी आला अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं या अपनी चुप्पी साधे रहेंगे। क्या हुआ आपके साथ? हमारे को सर 2 महीना पहले संतोष कुमार तिवारी ठेकेदार, निगाही हम ड्यूटी कर रहे थे सर, वहाँ से हमको बुला के लाया। हमारे पास दोस्त फौजी ज़्यादा थे, इसलिए इसने बोला आपको हम देंगे तनख्वाह अच्छी और आप आइए जो है एनटीपीसी में रहिए। हमारा कागज़ लिया, सब इधर उधर जमा किया, पता नहीं कहाँ कहाँ जमा किया, हमको नहीं मालूम है। और यहाँ पर जो है कि इसके बाद फौजियों की ड्यूटी बंद कर देता है और फर्जी फौजी का कागज़ बना करके फर्जी फौजियों को भर रखा है और हम लोगों की ड्यूटी बंद कर रखा है। इसमें हम लोग 10 दिन फर्जी कागज़ की ड्यूटी दिए, इसके बाद वो भी नहीं अब दे रहा है। कौन है ये तिवारी? संतोष कुमार तिवारी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी का एजेंट, किस कंपनी में? हाकिम कंपनी। किस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है? एनटीपीसी कॉलोनी में। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश यादव। तो फर्जी तरीके से फौजी कैसे बनाते हैं? फर्जी तरीके से ये डिस्चार्ज बुक का डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं, उस पर उनका पूरा दूसरे वाले जो अपना कॉपी फौजी देते हैं उनका फौजी का कॉपी का नकल उतार करके इसको भरते हैं, इसके बाद वैसी मुहर बनवा रखे हैं सब, वो सब मार करके ओरिजिनल फौजियों को हटा देते हैं सब, डुप्लीकेट फौजियों को 10,000, 12,000, 13,000 पेमेंट पर, बाकी पूरा पैसा उनका आता है खाते में, लेकिन उससे वो निकलवा लेते हैं। कितना आता है फौजी का लगभग पैसा? एक फौजी का कम से कम 17,000 रुपया से ऊपर आता है। अच्छा, और 10 से 12,000 देते हैं? हाँ, 10 से 12,000 देते हैं। क्या इसमें आप लोग उच्च अधिकारी से बात किए कभी? उच्च अधिकारियों को मालूम है इसके बारे में। चलिए ठीक। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।